हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार, आप सभी को हसपुरा टीसी के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं निशान ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3। जो कल हम बता चुके थे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो प्रश्न बता चुके थे और वह प्रश्न था त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड। और आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टू। प्रश्न है कि के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखित। प्रश्न फर्स्ट दिया हुआ है तो बनाने से पहले उसका कुछ सोचना चाहिए कि किस तरह बनाना है, कैसे बनाना है। तो प्रश्न में है कि के का वह मान निकाले जो तीनों बिंदु संरेखित है। तो इंट्रोडक्शन में बताए थे पार्ट वन में कि यदि तीन बिंदु संरेख होते हैं, यदि तीन बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। मतलब जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो के बराबर आता है। तो जब भी के का मान, पी का मान, वाई का मान, जेड का मान पूछता है, दे देगा कि तीन बिंदु संरेख है तो के का मान क्या होगा। तो यहां दिया हुआ है कि के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु का चीज है। और जब तीन बिंदु संरेखित होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो यह क्वेश्चन को बनाने का तरीका है त्रिभुज का क्षेत्रफल से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने से पहले स्टम्प चित्र बना लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन कर चलेंगे। तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें तीन बिंदु संरेखित है। तो थ्री तीन बिंदु दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7-2, बी दिया हुआ है 5-1, सी दिया हुआ है 3k। और कहा गया कि तीनों बिंदु संरेखित है। तो जब तीन बिंदु संरेखित होते हैं तो जानते हैं फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। फॉर्मूला के साथ पढ़ाया है और बता चुके हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं तो फॉर्मूला सिंपल होता है 1/2 x1 23 y2 − y3 + x2 31 + x3 12। कितना बराबर? जीरो के बराबर। मतलब जब तीन बिंदु संरेखित होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बराबर होता है? तो यह त्रिभुज का फॉर्मूला है 1/2 x1 23 x2 31 x3 12 = कितना बराबर? जीरो के बराबर होता है। फॉर्मूला के साथ होता है। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 यदि छाट लेते हैं तो गलत होने की संभावना कम रहता है। तो छाट लेते आसान रहेगा। तो x1 = x2 = x3 = y1 = y2 = y3। तो x1 का मान है 7। देखो x1 = y1 x2 = y2 x3 = y3। तो x1 का मान 7, x2 का मान 5, x3 का मान 3, y1 का मान -2, y2 का मान 1 और y3 का मान k। मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y2 बहुत जरूरी है, कहीं पता चल जाता है तो आसानी से बना सकते हैं। अब जाते हैं वैल्यू बैठाते हैं। तो 1/2 x1 है तो x1 का मान है 7, y2 तो y2 का मान है 1 माइनस, y3 तो y3 का मान है k प्लस h2 का मान है 5, y3 तो y3 का मान है k, y1 तो y1 का मान है -2 तो -2 प्लस h3 तो h3 का मान है 3, y1 -2 y2 1 इक्वल कितना बराबर? जीरो के बराबर। जीरो इससे लगा रहा है कि तीनों बिंदु आपस में संरेखित है। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले इतना जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले या कॉपी बाय करें, हमारे को बताते हैं।
तो अब चलते हैं आगे सेपरेशन की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा सेपरेशन किस तरह होता है। बता चुके हैं कि पहले वैल्यू बैठाने के बाद पहले हल होता है ब्रैकेट में, ब्रैकेट करने के बाद मल्टीपल का, और मल्टीपल करने के बाद प्लस और माइनस का। तो वन बाय टू पहले हम देते हैं ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में हल करना है। तो ध्यान देना, एक चर राशि है एक अचर राशि है, और चर राशि अचर राशि जब आपस में ज्वाइन नहीं होता है तो इसमें ब्रैकेट में कुछ हो रहा है तो अंदर में कुछ नहीं हो रहा था। जैसे हम सी लीजिए सात वन माइनस के प्लस पांच, अंदर देखो पूरा ब्रैकेट के अंदर कुछ चर अचर है तो कुछ नहीं हो रहा था, जैसे है उसे छोड़ देंगे। प्लस थ्री ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में अंदर कुछ हो रहा है तो माइनस टू और माइनस वन हो रहा है, माइनस टू माइनस वन में कितना माइनस थ्री इंटू कितना बराबर जीरो बराबर। ब्रैकेट के अंदर हो चुका है, अब आते हैं बाहर में। तो वन बाय टू बाहर मल्टीपल का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो सेवन में वन से गुणा करेंगे तो सात माइनस सेवन में के से गुणा करेंगे तो सेवन के प्लस पांच में के से गुणा करेंगे तो पांच के, पांच दूरी दस, पांच में दूसरे गुणा करेंगे ना दस प्लस माइनस प्लस यहां कुछ है तो प्लस माइनस माइनस और तीन तीन है नौ बराबर जी। अब आगे हल करना मतलब घरवाना की जो, तो पहले हम ब्रैकेट में हल किए उसके बाद बाहर मल्टीपल किए, अब इसके बाद ध्यान देना सेम पद को सेम के साथ और सेम पद को अलग पद के साथ कभी जोड़ते या घटाते नहीं है। तो सेवन है प्लस में, दस प्लस में है और नौ प्लस में है माइनस में है, तो सात प्लस में है दस प्लस में है तो दस और सात सत्रह, और सत्रह में से नौ जाता है, दस प्लस में है सात प्लस में है तो दस और सात जोड़ेंगे तो सत्रह आएगा, और सत्रह में से नौ घटाएंगे तो कितना बचेगा आठ हो चुका है। माइनस सेवन के और प्लस फाइव के, माइनस सात के में से पांच के कैंसिल हो रहा तो माइनस टू के बराबर जीरो। इसका हल करना है तो ध्यान देना वन बाय टू है तो वन बाय टू इसमेंगे जब गलती होने की संभावना क्या होता है, गलती कहां स्टूडेंट करेगा तो गलती एक ही कर सकता है वन बाय टू गुने आठ माइनस टू के बराबर जीरो, चार दुनी आठ बढ़ गया चार माइनस टू के बराबर जीरो। तो पहले ये बताओ कि वन बाय टू की प्रोसेस सही है कि गलती है, यह प्रोसेस गलत है क्योंकि मतलब 100% में 90% स्टूडेंट ऐसा कैलकुलेशन कर सकता है। ये पता हो रहा पूरा ब्रैकेट के बाहर है, आई वन बाय टू सिर्फ आठ का नहीं है, वन बाय टू आठ का भी है और टू के का है, तो इसका मतलब कि उस वन बाय टू को इस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करो, क्यों कि बराबर में कुछ लड़ा दिया है, तो जब बराबर में जीरो है इस वन बाय टू को इससे कोई लेना देने, वन बाय टू को सीधे लेके चल जाए बराबर की तरफ बहुत आसान हो जाएगा। तो वन बाय टू है गुना में इधर आएगा, तो वन बाय टू जीरो से भागा करो चाहे गुना करो पूरा कर कुछ बचेगा तो बच जाएगा आठ माइनस टू के बराबर आई वन बाय टू उधर जाएगा जीरो की तरफ तो जीरो बचेगा कि वन बाय टू बचेगा जीरो बचेगा, यह कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो आठ ये माइनस में है तो प्लस में और दो गुना में है इधर आएगा तो के बार मिल रहा है चार बार में, तो के बराबर चार ये हमारा आंसर। तो जल्द सुन स्क्रीनशॉट ले आने पर बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड क्वेश्चन, के का वह मान निकालें ताकि तीनों बिंदु आपस में सनेटी है, और बता चुके हैं सनेटी बोलो चाहे रैखिक बोलो चाहे एक ही सिद्ध में बोलो तीनों का मतलब सेम होता है। तो चलते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लें, त्रिभुज मान लिए पी है क्यू है
और आर। त्रिभुज बनाने के बाद वैल्यू बढ़ाता है, तो पी का निर्देशांक दिया हुआ है 8 1, क्यू का दिया हुआ है के माइनस 4 और आर का दिया हुआ है 2 माइनस 5। कहा कि तीनों बिंदु आपस में संरेख है, तो पता हो रहा कि जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बराबर होता है? जीरो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यह इसका फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला कब रहेंगे? जब तीन बिंदु आपस में संरेखित रहेगा तब। तो फॉर्मूला होता है 1/2। हम ट्रिकली के माध्यम से बता चुके हैं कि x1 23, y2 - y3 प्लस x2 31, y3 - y1 प्लस x3 12, y1 - y2 इंटू बराबर 0। मतलब इस फॉर्मूला को आसानी से याद हो सकता है। तो वैल्यू बढ़ाना है तो बताएं कि जहां त्रिभुज का क्षेत्र लगाना होगा वहां x1 y1 छाप लेंगे, आसानी होगा। गलती बस से बचे x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान है 8, x2 का मान है k, x3 का मान है 2, y1 का मान है 1, y2 का मान है -4 और y3 का मान है -5। छापने के बाद बहुत आसान हो जाएगा और उस आसानी से एग्जाम में कभी गलती होने की संभावना कम रहेगा। तो चलते हैं वैल्यू की तरफ। तो 1/2 x1, तो x1 का मान है 8, y2, तो y2 का मान है -4, y3 -5, एक माइनस यहां भी है -5 +5 प्लस x2, तो x2 का मान है k, y3 तो y3 का मान है -5, y1 तो y1 का मान है 1 प्लस x3 2, y1 1, y2 -4 तो -5 प्लस 4 प्लस 1 कितना बराबर 0। अब इसलिए आगे कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए पहले इतना स्क्रीन शॉट ले तो बताते हैं। तो अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो 1/2 पहले ब्रैकेट के अंदर करना है हल, अतः बाहर करना है। तो ब्रैकेट अंदर चलते हैं, अंदर पहले 8 × -4 और +5, तो -4 + 5 है, तो 5 में से -4 कैंसिल हो रहा है, तो +2 × -2 +2 ज्यादा चिन्ह होता है उसी का चिन्ह होता है प्लस के, -5 - 1 तो -6 +2 2 लिखेंगे गुणे +1 + 7 तो +6 5 बराबर 0। अंदर क्रिया होने के बाद बाहर क्रिया करना है, 8 में 1 से मल्टीपल होगा 8 प्लस के -4 है तो चिन्ह बदलते हैं डायरेक्ट, तो +−−, और के में 6 से गुणा हो रहा तो 6 के पल्स रहेगा, 5 × 10 बराबर 0। 1/2 8 प्लस में है और 10 क्या चीज में है प्लस में, तो 10 और 8 18 - 6 के बराबर 0। बता चुके हैं कि 1/2 को इस नंबर से कभी गुणा नहीं करना, 1/2 को सीधे बराबर के साइड में ले चलेंगे, तो 18 - 6 के बराबर स्क्वायर कितना बताया 1/2 उधर जाने वाला है तो पूरा फॉर्म 0 बन जाएगा, तो 18 बराबर माइनस में है तो प्लस में 6 से काटेंगे 18 तो 36 और के बराबर 3 ये हमारा आंसर आया। तो प्रश्न कर रहा था कि के का मान निकाले चाहे पी का मान निकाले चाहे जेड का मान निकाले कुछ भी दे सकता है, के जेड पी वाई कुछ भी दे सकता है। तो मान निकाले तीनों बिंदु आपस में संरेखित है, तो जब भी संरेखित प्लेट रहता है तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों बिंदु जब संरेखित होते हैं, तीन बिंदु आपस में संरेखित होते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
कितना बराबर होता है जीरो बराबर होता है। अब जीरो बराबर करने के बाद उस फॉर्मूला के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल ट्रिकली के माध्यम से फॉर्मूला बैठाएंगे 1/2 x 1 23 31 12 के हिसाब से बैठा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को आगे फिर से जरूर कर देखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लेकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि मैं वीडियो डालें तो आपके पास अवश्य पहुंच सके। थैंक यू।